देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम बात करते हैं आज की तारीख में घटी देश और दुनिया की कुछ अहम घटनाओं के बारे में। तो इसी क्रम में जानते हैं आज यानी 17 दिसंबर की तारीख का इतिहास। 17 दिसंबर 1903 को दो भाइयों की कल्पना यथार्थ में जमीन से 120 फीट ऊपर 12 सेकंड की उड़ान भरने में कामयाब हुई। ये दो भाई थे विल्बर और ऑर्विल राइट, जिन्होंने पहली बार किसी विमान को उड़ाया था। इस विमान का नाम दोनों भाइयों के नाम पर राइट फ्लायर रखा गया। राइट ब्रदर्स की सफलता के पीछे असफलता की कई कहानियां थी। राइट ब्रदर्स की हवाई जहाज बनाने की कई कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोनों भाइयों में मशीनी तकनीक की अच्छी जानकारी थी। इससे पहले वे प्रिंटिंग प्रेस, मोटरों की दुकानों और अन्य जगहों पर काम कर चुके थे। उन्होंने साइकिल के पुर्जे जोड़कर हवाई जहाज का आविष्कार किया। साथ ही फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने इसका आविष्कार पहले ही कर लिया था, लेकिन साल 1908 में राइट ब्रदर्स को इसकी मान्यता मिली थी। भारत और दुनिया के इतिहास में 17 दिसंबर की तारीख को और भी कुछ अहम घटनाएं दर्ज आई, उन पर भी एक नजर डालते हैं। 17 दिसंबर 1358, मंगोल सम्राट तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब्जा किया। 17 दिसंबर 1777, फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। 17 दिसंबर 1803, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा किया। 17 दिसंबर 1902, इटली के प्रसिद्ध आविष्कार मार्कोनी ने पहले रेडियो स्टेशन बनाया। 17 दिसंबर 1940, महात्मा गांधी ने 1940 में सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और इतिहास से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहे सन नाइन जी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।